हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने ही चैनल में। सबसे पहले आप सभी का बहुत सारा थैंक यू। आप सभी ने मेरी वीडियोस को इतना सारा प्यार दिया, मेरी वीडियोस को इतने लाइक किए। तो आज हम बात करेंगे उन इमोजी के बारे में जो कि है हंसने वाले इमोजी। इनका मतलब क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है और ये कब और कैसे यूज़ करने हैं, और साथ ही साथ मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी इमोजी के बारे में इस वीडियो में। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो हमारा फर्स्ट इमोजी है ग्रेनिंग फेस विद स्टार आइस। ग्रेनिंग फेस का मतलब हो गया मुस्कुराता हुआ चेहरा, और स्टार आइस का मतलब है सितारों वाली आँखें। इस इमोजी का यूज़ आप तब कर सकते हैं जब किसी बात को लेकर आप बहुत सारे एक्साइटेड थे और वो चीज़ आपके साथ हो गई है, तब आप इस इमोजी का यूज़ करके अपनी खुशी दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, दूसरों को अपनी खुशी बता सकते हैं। सेकंड इमोजी है स्माइलिंग फेस विद हेलो। जहाँ पर हेलो है इसका मतलब है प्रकाश का घेरा। आपने देखा होगा जो बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं, जो लोग बहुत ही महान होते हैं, उनके सिर पर ऐसे ऊपर घेरा बना हुआ होता है। आप इस इमोजी का यूज़ ब्लेसिंग, प्रेयर और विशिंग के लिए कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इस इमोजी का यूज़ तब कर सकते हैं जब आप किसी को ये बताना चाहते हैं कि आप बहुत ही इनोसेंट हैं या फिर आप बहुत ही पावरफुल हैं, तब भी आप इस इमोजी को सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेनिंग फेस विद स्वेट। इसका दूसरा नाम है स्माइलिंग फेस विद ओपन माउथ एंड कोल्ड स्वेट। इसका मतलब है मुस्कुराता हुआ चेहरा पसीने के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि इस इमोजी का कब और कैसे यूज़ करना है। मान लीजिए, सपोज कीजिए, आप किसी काम को लेकर बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही घबराए हुए हैं, टेंशन में हैं, फिर भी आप उस काम से जीन नहीं चुरा रहे और बहुत मेहनत और लगन के साथ उस काम को करते हैं। इतनी मेहनत से करते हैं कि आपके पसीने छूट जाते हैं, और फिर आप इस काम में जब सफल हो जाते हैं तब आप ये वाली खुशी दिखाने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसका सेकंड यूज़ इस सेंस में होता है कि जब आप खुद फिट रखने के लिए योगा करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं कि आपके पसीने बहते हैं, और उसके लिए आप ये इमोजी यूज़ कर सकते हैं। जो लोग योगा और एक्सरसाइज करते हैं मेरे फ्रेंड्स, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ये इमोजी जरूर सेंड करें, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कौन से फ्रेंड्स हैं जो डेली योगा और एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट है फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय। खुशी वाला चेहरा आंसू के साथ। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसको कब और कैसे यूज़ करना है। जब आपको किसी ने कोई ऐसी जोक या फिर वीडियो सेंड की है जिसे देखकर आप बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, इतना ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि आपका फेस दर्द करने लगा है और आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं, जिसे हम लोग खुशी वाले आंसू भी कहते हैं, जब आपको ये वाली चीज़ दिखानी है तब आप इस इमोजी को यूज़ कर सकते हैं। जिसने आपको वीडियो या मैसेज सेंड किया है, आप ये इमोजी रिप्लाई करके उसे ये बता सकते हैं कि आपकी वीडियो या जोक देखकर मैं इतना ज़्यादा खुश हुई हूँ कि मेरी आंखों से आंसू आ गए हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड स्माइलिंग फेस विद हार्ट आइस। मुस्कुराता हुआ चेहरा दिल वाली आंखों के साथ। इस इमोजी का यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आपको किसी को प्यार दिखाना है। ये इमोजी मोस्टली समवन स्पेशल के लिए होता है, जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ के लिए। इसका यूज़ दूसरी सेंस में भी कर सकते हैं, जब आप
किसी चीज़ या फिर किसी जगह को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं कि मैं इस जगह या चीज़ को बहुत ही प्यार करती हूँ। नेक्स्ट है फेस सेवरिंग डिलीशियस फूड। इसका मतलब ये है कि ऐसा चेहरा जो बहुत ही टेस्टी खाने का मज़ा ले रहा है। काफ़ी लोग तो इस इमोजी का यूज़ करते ही हैं जब कोई डिलीशियस डिश देखते हैं। जिनको नहीं पता है कि इसका यूज़ कब और कैसे करना है तो फ्रेंड्स चलो मैं उनको बता देती हूँ। आजकल तो ये फैशन ही है, जो चीज़ खाने पीने वाली हम बनाते हैं या फिर खाते हैं उसे पोस्ट ज़रूर करते हैं। अगर आपका भी ये शौक़ है तो आप भी खाने पीने वाली चीज़ों के साथ इस इमोजी को यूज़ कर सकते हैं। या फिर किसी ने कोई ऐसी पोस्ट डाली है तो आप इस इमोजी का यूज़ करके उसे फीडबैक में ये इमोजी सेंड कर सकते हैं, उसे ये बताने के लिए कि उनकी डिशेस आपको बहुत ही पसंद आई हैं। नेक्स्ट है रिलाइव्ड फेस, यानी कि राहत भरा चेहरा। हमें राहत कब मिलती है? जब हमारी कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, हमें उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं तब आपको राहत मिलती है। जब आपको किसी को ये बताना है कि आपकी कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, आप उस प्रॉब्लम से अब बाहर आ चुके हैं, तो आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड विंकिंग फेस, यानी कि आँख मारने वाला चेहरा। मैंने यहाँ पर दो इमोजी लगाई हैं, दोनों का सेम ही मतलब है, आँख मारने वाला चेहरा। इसका यूज़ आपको कब और कैसे करना है मैं आपको वो बता दूं। फ्रेंड्स आप इसका यूज़ तब कर सकते हैं जब आप कोई मजाक वाली बात कर रहे हैं या फिर कोई फनी बात कर रहे हैं, या आप किसी से फ्लर्ट करना चाहते हैं तब भी आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखें कि आप मजाक किसके साथ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इमोजी के बारे में बताने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप मेरी वेबसाइट और फेसबुक पर ज़रूर विजिट करें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। अगर आप ब्यूटी टिप्स और मेकअप के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे सेकेंड चैनल जीवन ब्यूटी टिप्स में ज़रूर विजिट करें, मैं वहाँ पर डेली पोस्ट अपलोड करती हूँ। नेक्स्ट है नर्ड फेस। नर्ड मीन्स बेवकूफ़ी वाला चेहरा, पर इस इमोजी का यूज़ यहाँ पर बिल्कुल उल्टे तरीके से किया जाता है। इस इमोजी का यूज़ बेवकूफ़ी के लिए नहीं बल्कि स्मार्टनेस के लिए किया जाता है। इसका यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आपके पास बहुत ही अच्छी जानकारी है, आप उस इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर और दूसरों को शो करना चाहते हैं तो आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। या फिर इसका यूज़ आप उस सेंस में भी कर सकते हैं जब आप अपने आप को स्मार्ट दिखाना चाहते हैं तो आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरी इस पर ऑलरेडी इमोजी पर एक वीडियो बना चुकी हूँ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।